खबर नरवर से। नरवर पुलिस विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों का किया चालान, वाहन चालकों में हड़कंप मचा। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से गुरुवार को चेकिंग अभियान चलाया। नरवर ग्वालियर मार्ग पर स्थित नया बस स्टैंड पर सैकड़ों व्यक्तियों के वाहनों का चालान किया। नगर के विभिन्न रूटों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के विभिन्न वाहनों का चालान और जुर्माना लगाया। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया तो वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा। इस दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश ली। शहर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण और बाइक सवारों द्वारा किए जा रहे अपराधों पर लगाम कसने के इरादे से पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसके अलावा कस्बे के मुख्य मार्ग पर भी चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान किया। अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्धों और उनके सामान की तलाशी ली, लेकिन इस दौरान कुछ भी आपत्तिजनक पुलिस के हाथ नहीं लगा। उक्त कार्रवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका यादव, थाना प्रभारी दीपक शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान ये प्रदेश व्यापी अभियान है, लगभग सब जगह ही वाहन चेकिंग की जा रही है। तो ये जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हेलमेट लगा के नहीं चलना, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलना और नेम प्लेट अव्यवस्थित होना, वहाँ जो बस हो गए चालक हैं वो वर्दी में नहीं बस चला रहे हैं और निर्धारित सवारी से ज़्यादा बस में सवारी भर के ले जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, इन सबको देखते हुए आज एक व्यापक चेकिंग लगाई गई थी जिसमें काफ़ी सारे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे जिससे लोगों के अपने जिंदगी के प्रति जागरूकता, हेलमेट वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें। खबर भारतवर्ष के लिए नरवर शिवपुरी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।